तू भी समझ सकते मैम, तो अभी मैं ऊपर आ रहा हूँ ना, तेरे को बताता हूँ। अरे ये भी किधर आ गया? ये है माइनक्राफ्ट का रियल लाइफ प्रिजन जहाँ पे तू एक्चुअली में भी ट्रैप्ड है। अबे यार तू गेम के अंदर तेरे को संतुष्टि नहीं मिली क्या? मेरे को यहाँ पे बंद करके रखा है। ओवर एक्टिंग करने नहीं बोला शायद मैंने तुझे। पर प्रिजन के अंदर बंद क्यों किया तूने मेरे को? को पता है ये बड़ा पापा पैसा नहीं भरता है, मैं भरता हूँ पूरे बड़े पापा का पैसा। भाई ये अपनी पर्सनल बात तो सबको क्यों बता रहा है? तो अभी तेरे लिए आलू की बहुत बड़ा चैलेंज है, मैं तेरी जानकारी के लिए बता दूं, अभी तू ट्रैप हो चुका है माइनक्राफ्ट के वन ऑफ द फाइनेस्ट रियल लाइफ प्रिजन में। अरे कैमरे के साथ मस्ती नहीं भाई, घर चले जाएंगे तेरा। इस प्रिजन में रियल लाइफ मॉब है, इस प्रिजन में हिडन बुक्स है, इस प्रिजन में रियल लाइफ की पिकैक्स, रियल लाइफ की एक्स एंड हर एक चीज जो कि रियल माइनक्राफ्ट में है वो रियलिटी में एग्जिस्ट कर रही है इस माइनक्राफ्ट प्रिजन के अंदर। अगर तुझे लग रहा है ये बहुत नरम है, एक काम कर तू दीवार को मार के देखना। कुछ तो ला के दो। तो इसे देखो अंदाजा जरूर हो गया रहेगा कि एक्चुअल में ये माइनक्राफ्ट प्रिजन कितना ज्यादा रियल है। आज खाने पीने को तो मिलेगा ना ब्रो। क्या भूख लगा है? मुंह देखा है तूने? शक्ल देखा है आईने में कैसी दिखती है? पर मेरे को एक चीज बहुत अच्छा लगा है कि ये प्रिजन के अंदर पंखा है। भाई इसको चालू कैसे करे? इसको पंखा है इस... भाई ये पंखा निकालने बोला था, किसने डाला इधर? भाई मैंने YouTube पे देखा था, बंद किया हुआ पंखे को कैसे चालू कर। अरे नहीं ना, घर की सीलिंग, घर की सीलिंग गिर जाएगी, घर की सीलिंग गिर जाएगी। है भाई ये तो एक घर जैसा ही है ना, पर यहाँ पे कुछ ना कुछ तो रहेगा जिससे मैं एस्केप कर पाऊँ यार, क्योंकि तुमको तो पता है मैंने बहुत सारे प्रिजन को एस्केप किया है। बट एक मिनट, ये जो प्रिजन है वो रियल लाइफ प्रिजन है। ओके ये नॉर्मल प्रिजन नहीं है। तेरे को क्या लगता है मेरे खानदान में मेरे दादा तिहाड़ जेल में थे? लगा ही तुम्हें इसका क्रिमिनल संबंध है। पर भाई तू इस कैमरे के पीछे क्यों बात कर रहा है? डर मैं तो सामने आना। गाइस तुम लोगों को नहीं पता, मैं आराम से चिल करके इसको हर तरीके से मॉनिटर कर रहा, तेरे हर एक एक्शन को मॉनिटर किया जा रहा है राइट नाउ। कैसे दिख रहा हूं? ना अच्छा नहीं दिख रहा है आलू की शक्ल के। एंड इसी के साथ आज के इस वाले वीडियो को लाइक हम लोग ने रखा है। ओके लेट्स सी, तो 1 लाख लाइक टारगेट है, तो लाइक कर दो। अगर आप लोग ने लाइक नहीं करें डेफिनेटली, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर देना फॉर मोर अमेजिंग वीडियोस। ओके तो मैं तैयार हूँ एस्केप करने के लिए। गाइस इसको एक्चुअली में राइट नाउ नहीं पता, ये एक्चुअल में बहुत ज्यादा रियल लाइफ प्रिजन है, इसकी हर एक चीजें रियल है, ये बेडरॉक को भी इवन तो तोड़ नहीं पाएगा। भाई ये बेडरॉक कितना ज्यादा रियल है, पर सबसे बेस्ट मेरे को ये हड्डी का ढांचा लगा यार, कूल है। ऐसा लगता है यहाँ पे मैं पार्टी करने को आया हूँ। मेरे को समझ नहीं आ रहा मैंने इसको जेल में किस काम के लिए भेजा, लाइक मस्ती करने के लिए भेजा कि प्रिजन के लिए भेजा? मैं तो मस्ती कर रहा है यार, क्या ये प्रिजन को बाद में देखेंगे, यहाँ पे मेरे को मजा आ रहा है, अभी मजा आ रहा है। आहा हा गाइस, लेकिन गाइस तुम लोगों को बता दूं एक्चुअल में ये जो ब्लॉक्स फेक रहे ना नीचे, इस ब्लॉक्स के रियल लाइफ में काम है। मेरे को बाहर निकालो, मेरे को आजादी दो। क्या कर रहे क्या यार इधर बंदा, मुझे समझ नहीं आ रहा, मैंने उसको भेजा है कुछ काम करने के लिए, ये क्या कर रहा है? भाई मैंने 500 का खरीदा था यार, क्या कर रहे है भाई? तुझे प्रिजन एस्केप करना है? अरे यार क्या कर रहा है गाइस? गाइस देखो इसको जितनी मस्ती करना है उतनी मस्ती कर दो, बिकॉज ये कितने रैंडम मस्ती करेगा, 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, कभी ना कभी तो इसका मन करेगा ना यार कि प्रिजन से बाहर आए, तब ये क्या करेगा? गाना दे दो मेरे को पीने के लिए भी कुछ ज्यादा। क्या मिल गया मेरे को यहाँ पे? व्हाट इज दिस, ये खराब क्यों कर रहे मेरे ब्लॉक्स को? क्या बिगाड़ा मैंने इसका? अरे अगर तूने अपनी माँ का दूध पिया है तो इसके अंदर आके दिखा।
देखो ज्यादा कुछ नहीं, अगर तुमने अगर तुम रियली में पागल हो जाते हो ना तो ये देखो, ये रियल पागल। ये मेरे को पता है, ये बंदा ना ऐसा 5-6 मिनट में आएगा और मेरे को वापस लेके जाएगा। सिर्फ एड़े बता दे के धंधे इसके। मैं ना एक काम करता हूँ, सो जाता हूँ, इससे अच्छा ये सबसे बेस्ट है, आएगा घूम फिर के बचाने के लिए। इससे मोबाइल छीनो यार, कोई इससे मोबाइल छीनो। ओके ओके ओके, 5-6 घंटे हो चुके हैं, अभी भी ये बंदा वैसे का वैसे ही अंदर पड़ा है। And rotate. इसको जेल में मेरे किस लिए भेजा, क्या कर रहा है, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। बिग बॉस मुझे गाना गाना है, मुझे गिटार दे दो बिग बॉस। चल एक बात बता, तुझे लाइक फैमिली वैमिली किसी का चिंता नहीं है, तुझे बाहर नहीं जाना इस रूम से, तो तुझे खाना नहीं खाना है, 5 घंटे हो गए हैं खाना नहीं खाया तूने। ब्रो मैं डाइटिंग पे हूँ, मैं मोटा हो चुका हूँ, बिग बॉस मुझे हट हो रहा है, बिग बॉस मुझे हट हो रहा है, हट हो रहा है मुझे बिग बॉस। अरे भाई भाई गला फट जाएगा आराम से भाई, मेरे बाजू वाली बिल्डिंग वाले लोग आ जाएंगे। मुझे हट हो रहा है, आइसक्रीम मुझे हट हो रहा है, मुझे भाई क्या ये व्हाट, क्या कर रहे हो यार, मुझे समझ नहीं आ रहा भाई। टाइम कितना हो गया वो तो बता दो यार, मम्मी मेरे को मार देगी। टाइम तुझे टाइम जानना है, देखो एक्चुअली में टाइम जानना है, हम लोगों को लेजिट बता रहा हूँ। ये देखो ये बंदा यहाँ पे, देखो ये बंदा अभी भी प्रिजन के अंदर कैद है, तुमको पता है टाइम क्या हो रहा है, ये आओ उधर दिखा रहा तेरा, वो देखो कितना अंधेरा है बाहर, बहुत ज्यादा टाइम बीत चुका है, ये बंदा एस्केप लेने का नाम नहीं ले रहा, इसको कुछ समझ नहीं आ रहा, इसको एक्चुअली में करना क्या है। भाई खाने को दे दे, अरे भाई पीने को तो दे दे कम से कम। आपको बता रहा था हम लोग ने इसको दोपहर के टाइम लाया था राइट, और अब भी देखो ये देखो वहां पर दिखाना कैमरा, लेजिट पूरा अंधेरा हो चुका है, ताकि मैं इसको मॉनिटर करता है यहाँ से। आप भाई निकाल देना भाई, मम्मी मारेगी, लेट जाऊंगा तू घर पे। अब आए ना लाइन पे, कुछ भी नहीं, अगर तुझे इस प्रिजन से निकलना है तो खुद निकल सकता है अगर तेरे पास दिमाग रहेगा तो। भाई वो तो नहीं है, देखो भाई मेरे को लगता है बहुत टाइम हो चुका है, अभी टाइम पास हमको बंद करना पड़ेगा और यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढना पड़ेगा। यार मैं कब तक इसके अंदर रहूंगा, ये अगर अपना दिमाग सही लगाए तो ये बाहर निकल सकता है। अरे यार ये सब क्या है, इनसे कैसे मैं बाहर निकलूंगा। अरे मतलब कि जहां तक मेरे को पता रहता है हम लोग पेंटिंग के अंदर भी जा सकते हैं और पेंटिंग के पीछे भी कुछ रखा जा सकता है। ओ ये हुई ना माइनक्राफ्ट की लॉजिक, ये हुई बात, मेरे को इसको निकालना पड़ेगा। ओ है इसके पीछे खाली जगह है, असली है भाई असली है, चिंता मत कर। भाई भाई ओ यस, यही अब आ रहा है इस लाइन पर, अभी आपको भीड़ में बहुत ही ज्यादा हुक मिल चुका है ये पेंटिंग के पीछे। ओके मतलब इसके अंदर कुछ ना कुछ तो लिखा हुआ रहेगा, चलो देखते हैं बुक के अंदर क्या लिखा हुआ है। कैन ओपन बेड, इस बेड को हम लोग खोल सकते हैं। 7 घंटे बीत चुके हैं ठीक है, 7 घंटे, और उसके बाद तूने जाके सिर्फ एक बुक ढूंढा है, मतलब यहाँ पे और भी चीजें हैं, मतलब बेड को पहले हटाओ। ये क्या है भाई, मतलब ये तो दिया ठीक है, ये असली वाला, ये क्यों दिया भाई नकली वाला। शायद से ये तेरे कुछ तो काम आएगा ही, फर्क नहीं पड़ता किस काम, बट कोई ना कोई तो काम आने वाला है वो। अब जैसे कि मैंने तुम लोगों को बताया था रात का टाइम हो चुका था, तो रात के टाइम इंसान क्या ही करता, सो जाता, तो सेम आलोक ने भी किया, वो जेल के अंदर ऐसे ही पड़े पड़े रहते रहते सो गया। भाई कितना टाइम हो रहा है ये तो बता दे, फिर बीच बीच में उड़ भी जाता था वो, ऐसे करते करते उसे पूरी रात अपनी इस माइनक्राफ्ट की रियल लाइफ जेल में बिताई। लेट्स गो। The next day. Okay. Come here. मैं भी तुम लोगों को बताता हूँ, हम लोग लास्ट 7 hours से कुछ 7 भी नहीं भाई 10 घंटे से हम लोग रिकॉर्डिंग करे, अभी मॉर्निंग का 7 बज रहा है ठीक है,
और ये बंदा अभी भी सोया है। तुम लोग यहाँ पे देख पा रहे होगे तो ये बंदा अभी नींद में है एंड इसको ये भी नहीं पता कि अभी सुबह हो चुके। पूरी रात ये बंदा सिर्फ अपने प्रेजेंट में सो गया। मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा इसको घर जाना है या नहीं जाना है या फिर इसको पूरी रात तक प्रेजेंट में पढ़ाना है, बट ये बंदा सिर्फ प्रेजेंट में। इवन तो मैं इसके रूम में भी जाकर आया था, तुमको पता है बीच में। ओके गुड मॉर्निंग गाइस, मैंने कपड़े भी चेंज कर लिए। एक काम करते हैं, मेरे पास प्लान है, जब तक ये बंदा सोया है ना वहाँ पे, हम लोग ज़ॉम्बी बन के उसके रूम में एंट्री करके उसको सरप्राइज करते हैं। मेरे को देखना है जब मैं उसके रूम में जाऊंगा तो क्या होगा। A few moments later. मैं आलोक को रूम में छोड़ के आ गया हूँ, देखते हैं आलोक क्या ही उखाड़ता है। क्या है? Oh no, what? क्या उसे चीज मिल गई वो? अबे ये क्या है? तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे कुछ अलग है। ये बेडरॉक जैसे ये, पर बेडरॉक से अलग है। Yes, वो एक हिडन बटन है, बट मैं पहले बता, उसको दबाना मत। Wait. मतलब इसको दबाने से कोई भी सीक्रेट दरवाजे खुल सकते हैं। Exactly. बट याद रहे, अगर तूने गलत चीजें भी दबाए ना तो गलत चीजें भी हो सकती है। कोई चीज समझना है तो एक चीज करो, बकड़ बम्बे बोल 80-90-100 ये वाला। आर यू श्योर? क्योंकि अगर तूने गलत चीजों को दबाया तो साथ गलत चीजें होंगी, मैं पहले बता दे रहा हूँ। देखो गाइस, गलत और सही कुछ नहीं होता है, दबाने से मतलब। ठीक है, मैं फर्स्ट वाला दबा रहा हूँ। एक बार सोच ले। 3-2-1 कैसी लगी भाई? शी, ये देखो भाई, यहाँ पे मेरे ऊपर अंडा गिरा। अब तू सोच रहा है दूसरा बटन तेरा एस्केप बटन है, राइट? ऑब्वियसली, अब ये दूसरा बटन ही बचा हुआ है जिससे मुझे बाहर निकलने का रास्ता मिले। देखो इसको लग रहा है सेकंड वाला जो बटन है वो एस्केप बटन है, बट एक्चुअली में वैसा नहीं है, उसको सुनाई नहीं रहा, डोंट वरी। 3-2-1 हुआ, यस फाइनली। अबे ये क्या कर दिया भाई? तेरे पे भी डालूंगा, मेरे पे आटा डालता है तू? हाँ तेरे पे डालू। कैमरामैन के साथ मस्ती नहीं भाई, नेक्स्ट वीडियो में आएगा नहीं प्लीज। देखो भाई, गाइस सब कुछ कर लिया मेरे साथ। नहीं तेरे साथ और जुर्म होने बाकी हैं। मेरे को माफ कर दे भाई, मेरे को प्लीज बता दे बाहर कैसे निकलते। अच्छा डैडी बोल, डैडी तो मतलब इसका तेरे को मतलब घर नहीं जाना है, तेरे घर से 16 मिस कॉल्स आ चुके हैं। अच्छा डैडी बोल, डैडी ये क्या है? इसके पीछे ही ये था जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? शेर। हाँ इसको शेर कहते हैं भाई। मतलब बाल काटू क्या भाई? वैसे भी कैमरामैन के बाल बहुत बड़े हैं। माइनक्राफ्ट और शेयर्स में क्या काम होता है? काटना भाई। नहीं वो ऑलरेडी किसी ने करके रखा है। देखो कैची मिल गई, बट और भी चीज कुछ हिडन है। अबे भाई मेरे को नहीं पता, मैं तेरी बात क्यों सुन रहा हूँ भाई? एक्चुअली तू मेरे को यहाँ पे लेके आया और तू ही मेरे को बता रहा है कि बाहर कैसे निकलते हैं? ये दरवाजा लॉक है, अगर ये लॉक है तो मैं इसको कट करके भी बाहर निकल सकता हूँ। हेलो नहीं, कट करने नहीं बोला तुझे, तुझे प्रिजन कट करने नहीं बोला, मैं आ रहा हूँ। काट दिया। भाई दरवाजा मिल गया मेरे को। देखो कट करने कौन वाला भाई, मेरा 10,000 के पैसे थे उसके अंदर, कट करने कौन वाला? भाग गया। उसकी सब सामान मोबाइल में सब मेरे प्रिजन में पड़े, और सच में भाग गया। ओ, तो
लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो भाई, बहुत आटे लगे हुए। बेचारे ने बहुत मेहनत की प्रेशन के अंदर। रियली हार्ड्स ऑफ, मतलब बंदा 10 से 16 घंटे तक प्रेशन के अंदर ही पड़ा था। हाँ तो चलो मेरे चैनल पे चले जाना, ये कर रहे थे बना।